जो दूसरा इंस्ट्रक्शन था वो ये था कि जो हमने अभी तक जितने सेंसस ऑपरेशन किए और जितने ऑपरेशनल होल्डिंग या फिर ऑनरशिप का डिटेल हम लोगों ने जो कैप्चर किया, उसको स्क्रूटनी के समय में उन लोगों को ये पता चला कि सेम पर्सन का सेम विलेज में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, और उन्होंने क्या किया कि वैसे सारे रिकॉर्ड्स को एक रिपोर्ट सेक्शन में डाल दिया है कि आप इसको मैच कर दीजिए। वो कैसे मैच करना है, मतलब कि एक इन्यूमरेटर के पास 10 विलेज है तो उनको ये काम करने में मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट लगेंगे अगर 10 विलेज है तो, ठीक है। तो कैसे करना है वो देखते हैं। तो एग्रीकल्चर सेंसस के साइट पर जाना है, इन्यूमरेटर को एग्रीकल्चर सेंसस के साइट पर जाना है, और ये काम इन्यूमरेटर के लॉगिन से ही हो सकता है, ठीक है। इन्यूमरेटर के लॉगिन में जाना है, डेटा कैप्चर मॉड्यूल में जाना है, आपको बिहार सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी डालना है, ठीक है, और आपको जो पासवर्ड है वो डालना है। ध्यान ये रखना है कि यूजर आईडी और पासवर्ड वही है जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेंसस के मोबाइल एप्लीकेशन के लिए RG3ANR, ये कैप्चा डालना है और लॉग इन करना है। जैसे ही लॉग इन करेंगे आप इस लॉग इन में लॉग इन हो जाएंगे। इसमें आपको फेज वन में जाना है, ध्यान रहे फेज वन में जाना है, और मैचिंग बिटवीन सेम ऑपरेशन ऑनर एंड ऑपरेशनल होल्डर, इस सेक्शन को आपको सिलेक्ट करना है, ऊपर से पांचवा नीचे से तीसरा नंबर, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप ये आपको स्क्रीन दिखेगा, जितना मौजा रहेगा वो सारे मौजा विलेज का नाम यहाँ पर आएगा, एक एक करके आपको करना है। जैसे इसमें एक मौजा है तो इसको सिलेक्ट करना है और इंडिविजुअल करते हुए इसको प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको करना ये है कि देखेंगे कि ये अभरेंद्र कुमार, अफसाना परवीन, अफसारा परवीन दो आदमी का नाम है, अखिलेश प्रसाद सिंह, अनीता देवी दो है, अनीता कुमारी है। तो आपको ये देखना कि सेम नेम कितने हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट करके आपका रखा हुआ है, तो करना ये है आपको कि इस साइड वाला नाम तो सेम हो सकता है लेकिन ये दोनों नाम सेम होगा तो आपको इसमें देखना है। जैसे विजय, विपिन, मनोज, पंकज, संजीव, सर्वेश, सुधीर, अशोक, पंकज, जैसे आप यहाँ पर जैसे ही आए तो देख रहे हैं कि दो आदमी का सेम नाम है, लेट देवनाथ प्रसाद और लेट देवनाथ प्रसाद, और इधर भी ऑनर का नाम भी सेम है, अर्जुन प्रसाद पिता देवनाथ। इससे देखने से ये पता चल रहा है कि ये दोनों सेम पर्सन है, ठीक है। ये आपको भी खुद पता होगा कि ये दोनों सेम पर्सन है क्योंकि आप कर्मचारी हैं वहीं के, राजस्व कर्मचारी। तो आपको करना ये है, अगर सेम पर्सन मिले तो करना आपको ये है, जैसे यहाँ पर हमको अभी मिले थे अर्जुन प्रसाद, ठीक है, ये दोनों आदमी सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम आदमी है, तो दोनों को मैप करना है, ठीक है। मैप कैसे करना है, तो ये दोनों को सिलेक्ट करना है, जिसको मैप करना है उसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ये अर्जुन महतो, ये दोनों को आपको मैप करना था, दोनों को सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट करिएगा वो वाला इधर साइड में सबसे ऊपर में आ जाएगा, सेम ऑनर स्लैश ऑपरेशनल होल्डर वाले सेक्शन में दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को मैप करना, अगर मान लीजिए अर्जुन प्रसाद का तीन चार रहता तो तीनों चारों सिलेक्ट करके यहाँ तीनों चारों यहाँ पर ला देते, और तीनों चारों लाने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि ये दोनों ऑपरेशनल होल्डर या जो ऑनर हैं ये दोनों सेम हैं, तो बोलेंगे यस का। जैसे ही करेंगे दोनों एक दूसरे से मैप हो जाएंगे, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करिएगा, फिर से वही लिस्ट आएगा, लेकिन इस बार अंतर ये रहेगा कि अर्जुन प्रसाद एक दिखेगा, दूसरा अनहाइड रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये और ये दोनों मैप हो गए। उसके बाद देखेंगे तो ये सुरेश प्रसाद हैं, ये सेम हैं, इसके बाद संजय प्रसाद, जिंदर, शांतनु, विष्णु, जुगल किशोर, तो हीरा, जगदीश, अर्जुन, तो इस तरह से आपको, हाँ जैसे अभी ये मिला कविता कुमारी, लेट कृष्ण प्रसाद, ये दोनों कोई सेम पर्सन है, इनको सिलेक्ट करना है आपको, फिर इसको कृष्ण, कविता कुमारी, दोनों को सिलेक्ट करना है। अगर तीसरा कविता कुमारी का रहता और रहता तो तीनों को सिलेक्ट करना था आपको, ठीक है। सिलेक्ट जैसे ही करिएगा वो आपको इधर दिखने लगेगा, जैसे ही इधर दिखने लगा आप इसको सेव कर देना है, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे उसी तरह से मैसेज आएगा, ओके, फिर से आप देखेंगे इसको तो फिर से ये दोनों एक दूसरे से टैग हो गए होंगे, ठीक है। देखिए ये भी टैग हो गए हैं, कविता कुमारी टैग हो गई है। अब दूसरा इसमें तो हो गया, टैग हो गया, मान लीजिए आप गलत से दो आदमी का टैग कर देंगे तो अनटैग कैसे करेंगे,
जैसे ये दोनों कविता कुमारी का है, ये लेट कृष्ण प्रसाद, लेट कृष्ण प्रसाद, इवन दो के दोनों सेम नाम है लेकिन दोनों डिफरेंट पर्सन है, तो आपको करना क्या है, अनटैग कैसे करना है, आपको ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये दोनों फिर से वापस इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग करना है, तो बस आपको इधर से सिलेक्ट करके इस पे मार्क करना है, इस पे मार्क करना है, ये दोनों इस रो में आ गए और दोनों इंडिविजुअल बन गए। देखिए कविता कुमारी, कविता कुमारी दोनों एक इंडिविजुअल बन गए, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं है, क्योंकि अगर मैच रहता तो एक का नाम दिखता और दो थोड़ा लाइट कलर में रहते, हाइड होते, ठीक है। तो ये आपको करना है, जैसे इस गांव में 1482 ऑपरेशन हो रहा है, तो आपको एक बार सरसरी निगाह से कंप्यूटर पर खोलना है और इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाकर देखना है, ठीक है। छोटे छोटे गांव में तुरंत में हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि किसी गांव में कोई अवेलेबल ही ना हो, लेकिन बड़े गांव में थोड़े टाइम लग सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लग सकते हैं। आपको इसको कल तक, मतलब 16 जून तक इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्यूटर पर बैठिए, अपने यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको एग्रीकल्चर सेंसस वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद मैचिंग बिटवीन सेम ऑपरेशन होल्डर पर आपको करना है। ये ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जब तक स्क्रूटनी का काम नहीं होगा तब तक फिर जो सेंसस के अमाउंट रिलीज होने वाले हैं, जो मतलब जो एनुमरेटर को पैसे मिलने होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये स्क्रूटनी नहीं होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गो अहेड नहीं देगा कि हाँ आपका कंप्लीट हो गया, तब ये पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। आप सबको थैंक यू।